रोज न्यूज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें ताकि ताज़ा तरीन खबरों से आगाह रह सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम ग्रीन बोर्ड में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। मेरा नाम है रिजवान हैदर और मेरे साथ आज स्टूडियोज़ में मौजूद हैं अवैस अब्बासी, नवीद अहमद मलिक और साद अब्बासी, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की एक कामयाबी के हम हमेशा ही तनकीद करते हैं उन पर, लेकिन एक जो अच्छा काम उन्होंने किया है कि बांग्लादेश की टीम को कन्विंस किया है, लेकिन कोई सॉलिड रीज़न भी नहीं थी बांग्लादेश की टीम के पास कि पाकिस्तान ना आए। अब वो पाकिस्तान आएंगे, 3 T20 मैचेस खेले जाएंगे, बल्कि एक ODI का भी इजाफा हो गया है, ODI मैच भी खेला जाएगा और फिर 2 टेस्ट मैचेस भी पाकिस्तान में खेले जाएंगे। ये बड़ी अच्छी बात है, पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट का रिवाइवल हो रहा है और श्रीलंका की टीम पाकिस्तान आई, उसके बाद अब बांग्लादेश की टीम भी इंशाल्लाह पाकिस्तान आएगी। और पहले जो T20 से आगाज होगा, तो अभी से कुछ देर पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने T20 टीम का जो है स्क्वाड का वो अनाउंसमेंट की है और उसमें काफ़ी कुछ तब्दीलियां भी हुई हैं और जो बड़ी जिन लोगों को टीम में शामिल किया गया वो भी मैं आपको बताऊंगा और जिनको ड्रॉप किया गया वो भी आपको बताएंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, फ़खर जमान, आमिर और वहाब इनकी छुट्टी हो गई है, इरफान इनको भी साइडलाइन किया गया है और कुछ खिलाड़ी जो कि काफ़ी अरसे से अच्छा कर रहे थे डोमेस्टिक में और उनको चांस दिया गया है। अहमद भट्ट उसमें शामिल हैं और हारिस रऊफ, इस पे भी हम बात करेंगे कि हारिस रऊफ ने जाके बिग बैश लीग जो कि ऑस्ट्रेलिया की T20 लीग है उसमें अच्छा परफॉर्मेंस दी है अच्छी, इस बुनियाद पे उनको हमारी टीम में सेलेक्ट किया गया है। तो ये क्या मतलब ठीक है कि उसमें प्लेयर पाकिस्तान में तो अच्छा इतने अच्छे से परफॉर्म कर रहा था तो फिर क्यों सेलेक्टर्स की निगाह तब ही जाती है कि जब सोशल मीडिया पर या स्ट्रीमलाइन मीडिया पर किसी खास प्लेयर को लेकर बातें की जाती हैं कि इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, चाहे वो फवाद आलम हो या हारिस सोहेल वगैरह, तभी उनको टीम में शामिल क्यों किया जाता है। और पहले मैं आपको पूरा स्क्वाड बता दूं, फिर हम गपशप का आगाज़ करेंगे क्रिकेट पे। स्क्वाड में जी बाबर आजम, जैसे कि आपको पता है कि वो कप्तान है पाकिस्तान के T20 फॉर्मेट के, तो वो कप्तान है। एहसन अली ये भी अच्छे बैट्समैन है, आई गेस कोयटा की टीम में खेलते हैं, कोयटा ग्लैडिएटर्स, और इनको भी T20 स्क्वाड में शामिल किया गया है। अहमद भट्ट जैसे मैंने आपको बताया अभी, इफ्तिखार की अच्छी सीरीज गई थी अगेंस्ट श्रीलंका भी और अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया भी, इन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी थी। हारिस रऊफ, इमाद वसीम है, खुशदिल शाह, इनको भी शामिल रखा गया है स्क्वाड में, ये ऑस्ट्रेलिया की सीरीज में भी थे। मोहम्मद हफीज़ और शुएब मलिक, इनकी जो वापसी हुई है, ये सीनियर खिलाड़ी थे और काफ़ी बातें हो रही थी कि ये दोनों खिलाड़ी 2020 का जो वर्ल्ड कप है इसी साल खेला जाएगा, तब तक ये पाकिस्तान को सर्व कर सकते हैं और इनको इग्नोर नहीं करना चाहिए, तो खैर इनको मौका दिया गया एक बार फिर दोबारा। मोहम्मद हसनैन है, रिजवान विकेट कीपर, मोहम्मद मूसा फास्ट बॉलर, शादाब खान शामिल हैं, शाहीन अफरीदी और उस्मान कादिर जो कि लेट अब्दुल कादिर उनके बेटे हैं और काफ़ी अच्छी ये भी बॉलिंग करवाते हैं। तो इस पे बात करते हैं, अवैस क्या समझते हैं, टीम बैलेंस स्क्वाड अनाउंस किया पाकिस्तान ने? रिजवान, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो वेरी मच फॉर इनवाइटिंग अस ऑन द शो। और इसके साथ साथ बहुत बड़ा दिन है, मतलब बड़ी न्यूज़ है कि बांग्लादेश की टीम श्रीलंका के बाद पाकिस्तान आ रही है, इंटरनेशनल क्रिकेट के रिवाइवल हो रहा है पाकिस्तान के अंदर, बहुत अच्छी तरह चीज़ें चल रही हैं, तो हम होपफुल रहेंगे कि चीज़ें इसी तरह चलते रहें। उसके साथ साथ जहाँ तक टीम की बात की जाए तो मेरे ख्याल से बड़ी परफेक्ट टीम कम्बिनेशन इस दफ़ा बनाया गया है, क्योंकि टीम में आप देख लेंगे 40% जो है नए लड़के जो परफॉर्म कर रहे थे उन्हें शामिल किया गया है, इसके साथ साथ सीनियर्स भी जो हैं उन्हें भी रखा गया, हफीज़ और शुएब मलिक को जो है दोबारा टीम में वापस लाया गया है और बहुत से सीनियर्स को ड्रॉप भी किया गया, शायद उन्हें रेस्ट देने का मूड होगा या वो दूसरी लीग्स वगैरह भी खेल लेंगे। लेकिन अभी इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये कि जो जूनियर्स जिन्होंने परफॉर्म किया, जो टैलेंट जो अभी उभर के सामने आया था उन्हें मौका मिला। बांग्लादेश की नो डाउट टीम बहुत अच्छी है, बड़ा अच्छा मतलब मैचेस पड़ेंगे, लेकिन वो स्टिल जो इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर रैंकिंग के अंदर पाकिस्तान से वो काफ़ी पीछे रही है। तो मेरे ख्याल से ये नए जो लड़कों को चांस दिया गया है बहुत अच्छा इनिशिएटिव किया गया सेलेक्टर्स की जानिब से, इससे एक तो ये होगा कि जो प्लेयर्स हैं इनका कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होगा, प्लस आपको जो है एक नई टीम या इंटरनेशनल लेवल पे जो प्लेयर खेलता है उसका लेवल थोड़ा सा अपग्रेड होता है, तो आपके सामने एक नई टीम, नए लड़के सामने आएंगे जो कि फ्यूचर में स्टार्स बनेंगे और ऑब्वियसली। और इसमें एक बड़ी अच्छी चीज़ ये कि हारिस रऊफ को चांस दिया गया है जो कि अभी पिछले दिनों उन्होंने बिग बैश के अंदर उन्होंने
लोहा मनवाया अपना. अब यहाँ पे एक बड़ा क्वेश्चन भी रेज होता है कि क्या वाकई हमारे प्लेयर जो बाहर जाके परफॉर्म करेगा उसी टीम में मौका मिलेगा, क्या हमारा सिलेक्शन का क्राइटेरिया सोशल मीडिया या मीडिया का प्रेशर ही होगा. अब ये लड़का, अब देखिए कि नेट में इसे बॉलिंग करने से मना कर दिया गया था कि कहीं किसी प्लेयर को इंजर्ड ना हो जाए, लोग के खिलाफ इसने बिग बैश में जो परफॉर्मेंस दी है ये ऑलरेडी कैपेबल था इंटरनेशनल क्रिकेट में या पाकिस्तान इंटरनेशनल टीम खेलने के लिए, तो इसे काफी लेट चांस मिला है. मेरे ख्याल से ऐसे टैलेंट्स के साथ जो ज्यादती करते हैं ये चीज नहीं होनी चाहिए. बोर्ड को सीरियस नोट्स के ऊपर इन चीजों को देखना चाहिए कि जो टैलेंटेड लड़के हैं, बहुत से हमने अपने टैलेंट जाया भी किया है. फवाद आलम की मिसाल है, उसे टीम में शामिल करके जो है प्लेइंग 11 में नहीं लाया गया. तो ये इन लोगों को जो है बोर्ड को इन चीजों के ऊपर स्पेशल नजर रखनी पड़ेगी कि ऐसे लड़कों को जो है टीम में ज्यादा से ज्यादा चांसेस मिलने चाहिए ताकि ये ग्रूम कर सकें विद द टाइम बीइंग. बिल्कुल सही है. अच्छा साहब, हारिस रऊफ की अभी जो बात की इन्होंने, तो अब जिस टीम में वो खेले हैं बिग बैश लीग में, वो स्टेन की जगह, उन स्टेन नहीं खेले शुरू में, फिर उनको मौका मिला, फिर स्टेन, और स्टेन कह रहे थे कि जिस तरह की परफॉर्मेंस है हारिस रऊफ की, तो एक मतलब काफी एक उन्होंने एक वो दे से इट के ह्यूज बूस्ट टू फिल, तो उसको वो भी तारीफ कर रहे थे. तो अब ये क्या वजह है कि चाहे फवाद आलम हों या ऐसे खिलाड़ी हों, उनको क्यों मौका नहीं दिया जाता खुद से, बजाय कि आप सोशल मीडिया के प्रेशर में आके पर उनको चांस दें, तो व्हाई दे डोंट टेक प्लेयर्स ऑन देयर ओन. थैंक यू रिजवान. सबसे पहले तो खुशी की बात है कि बांग्लादेश टीम पाकिस्तान में आ रही है और तीन पेयर बनाए गए. पहला जो पेयर इसमें T20 होगा, और आज टीम की जैसे अनाउंसमेंट हुई आप बात कर रहे हैं, टीम के बताइए, टीम की हारिस रऊफ को चांस दिया गया. बात करें तो उनकी किस्मत ही बड़ा उन्होंने साथ दी है. डेल स्टेन इंजर्ड हुए, उनकी जगह हारिस रऊफ को लाया गया. हारिस रऊफ ने कमाल की बॉलिंग की बिग बैश में, दुनिया ने देखा, सुर्खियां लगी बड़ी बड़ी अखबारों में कि पाकिस्तानी बॉलर जो टीम में नहीं खेलते बिग बैश आ खेले और बिल्कुल छा गए. हारिस रऊफ की अगर बात की जाए तो हारिस रऊफ ने हैट्रिक की, 15 विकेट तक वो ले चुके हैं. ज्यादती की जाती है पीसीबी की कुछ लड़कों के साथ. अब देखें, हारिस रऊफ पाकिस्तान टीम में नहीं खेला, बाहर जाके परफॉर्म करता है, पीसीबी देखता है ये लड़का बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, इसको तो टीम में होना चाहिए, फिर इसको टीम में लेके आते हैं. ऐसे ही कुछ सिचुएशन थी हमारी जो पिछले प्लेयर थे आबिद अली, उनके साथ भी काफ़ी लेट लाया गया. लेकिन अब चाहिए पीसीबी को कि वो ये नए लड़कों को उनको देखे, उनको परखे और उनको जल्दी से जल्दी टीम में लाए जो टैलेंटेड लड़का होगा. हारिस रऊफ ने परफॉर्म करके दिखाया और अब वो टीम में आए. फवाद आलम को बड़े अरसा बाद चांस मिला पेंडी टेस्ट में, लेकिन वो प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं थे. लेकिन हारिस रऊफ को आपको आगे ज़ाया नहीं करना होगा, आगे वर्ल्ड कप भी आ रहा है और ये लड़का ऑस्ट्रेलिया में परफॉर्म करके आया, और ये इंशाल्लाह लगता है कि पाकिस्तानी परफॉर्म करेगा और ये लड़का बहुत आगे जाएगा. बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक हो गया. अच्छा नवीद, बांग्लादेश की टीम आफ्टर ऑल आई गई पाकिस्तान, बड़े नखरे किए उन्होंने, कभी कह रहे थे आएंगे नहीं आएंगे, दो मैचेस खेलेंगे, सिर्फ T20 खेलेंगे, और सोशल मीडिया पे काफ़ी मीम्स भी चल रही थी कि बांग्लादेश की टीम को चाहिए कि वो लंच का जो ड्यूरेशन होता है ना 40 मिनट की 50 मिनट की ब्रेक, उसमें भी ज़रा बांग्लादेश से चक्कर लगा के आ जाएं. तो आफ्टर ऑल एक बड़ी कामयाबी पीसीबी की, उन्होंने कन्विंस किया बांग्लादेश को और वो अब पाकिस्तान आ रही है. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू रिजवान टू इनवाइटिंग मी इन योर शो. रिजवान, इस मोस्ट वेलकम बांग्लादेश टीम जो पाकिस्तान आ रही है, लेकिन मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाना चाहूंगा. देखें, पाकिस्तान में एक स्क्विड लैप हुआ है अगेंस्ट श्रीलंका, लेकिन उसके बाद ओवरऑल देखें पाकिस्तान ने बहुत सफर भी किया है. पाकिस्तान ग्राउंड में कोई इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं हुई, लेकिन उसके बाद अगेंस्ट लाइक जिम्बाब्वे हमारी सीरीज हो चुकी थी, उसके बाद लाइक PCL के सेमीफाइनल्स और फाइनल पाकिस्तान में हुए हैं, उसके बाद आप श्रीलंका के अगेंस्ट मतलब हमारी कामयाब सीरीज हुई है. इवन के U19 जो बांग्लादेश की टीम है वो पाकिस्तान का विजिट करके जा चुकी है, इवन उनकी व्यूमेन टीम पाकिस्तान का विजिट करके जा चुकी है. इवन देन बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का ये नखरा काबिल बर्दाश्त तो नहीं था पाकिस्तान के लिए, एनी हो, लेकिन पाकिस्तान ने उनका ऑस्ट्रेलिया की तरह बिहेव कर रहे हैं जैसे ऑस्ट्रेलिया, जैसे वो समझ रहे थे कि जो वो लाइक इंग्लैंड की टीम है, ऑस्ट्रेलियन टीम है, साउथ अफ्रीकन टीम है, लेकिन इस तरह का बिहेवियर था उनके साथ. एनी हो, वो पाकिस्तान आ रहे हैं, मोस्ट वेलकम. सो ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की कामयाबी है. पीएसएल में उनके काफी खिलाड़ियों ने ड्राफ्ट में भी तो नाम दिया हुआ था ना. हां, उनके 25 आई थिंक मोर देन 25 से ज्यादा थे. यार 25 आई थिंक, तो ये तो एक अलग बात है वो ड्राफ्ट में, लेकिन उनका कोई नाम नहीं आ सका, लेकिन वो इंटरेस्टेड थे पाकिस्तान में खेलने के लिए. सो इफ दे आर इंटरेस्टेड, सो दैट्स व्हाई दे आर लाइक they are saying like they don't want to play here in like Bangladesh cricket board. So I think they should be play here and they are willing to play here. But मुझे समझ नहीं आ रही कि Bangladesh cricket team board के साथ मसला क्या था. बिल्कुल सही बात है, लेम एक्सक्यूजेस थे, लेकिन आफ्टर ऑल चलो वो क्या बोलते हैं, everything is good if the end is good. Yes, yeah. Everything is good now. तो
पीसीबी की भी तारीफ करनी बनती है क्योंकि बिल्कुल अगर बात की जाए रिजवान तो बहुत अच्छा काम किया वसीम खान ने जो सीईओ है और इसके साथ चेयरमैन जो पीसीबी एहसान मानी है इनकी मुसलसल बातचीत चल रही थी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड से और उसके बाद फिर एक मीटिंग हुई दुबई में एहसान मानी साहब की और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन हैं सदर हैं सॉरी नाजमिन हसन उसमें इनकी बात डिसाइड हुई और अब जैसे कि आपको पता है कि बांग्लादेश आ रही है टीम खेलने तो एक अच्छा इनिशिएटिव है बोर्ड का भी इन्होंने कन्वेंस किया बांग्लादेश को कि वो आए पाकिस्तान मैच खेले आपको आपको पता है श्रीलंकन टीम गई बड़ा अच्छा लोगों ने यहाँ पर इंजॉय किए क्रिकेट हुई अब बांग्लादेश टीम आ रही है तो उनको भी जब आएंगे तो उनको पता चलेगा कि पाकिस्तानी कितने खुश हैं यहाँ मैच होते हैं कितने लव कंट्री है पाकिस्तान क्रिकेट से प्यार करने की कंट्री है और जब वो आएंगे तो इन्हें पता चलेगा और ऐड करना चाहूँगा कि बांग्लादेशी टीम का फकीदुल मिसाल इस्तकबाल होगा और आप देखेंगे कि पाकिस्तान के स्टेडियम इस दफ़ा किस तरह आबाद होंगे और मेरे ख्याल से तारीख में शायद इतना प्यार किसी टीम को नहीं मिला होगा जो कि बांग्लादेश की टीम को अब विजिट करेगी पाकिस्तान में क्योंकि क्राउड बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड है लोग जो क्रिकेट लवर्स हैं बेताबी से इंतजार कर रहे थे इस लम्हे का कि क्रिकेट वापस आ गया पाकिस्तान में वो वापस आ रही है अब जो जो टीम पाकिस्तान विजिट करेगी उसे मेरे ख्याल से इतना प्यार मिलेगा शायद उसे कहीं पे भी जो है ऐसी चीज प्यार से पहले नहीं मिला होगा और लोग बहुत बेताब हैं स्टेडियम को आबाद करने के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट जाके देखने के लिए बिल्कुल सही सिक्योरिटी लैब्स में मैं दूसरी बात करूंगा पाकिस्तान आर्मी को भी क्रेडिट जाता है जिन्होंने पाकिस्तान स्पोर्ट्स को लाइक क्रिकेट को बहुत ज्यादा प्रमोट किया पाकिस्तान में और प्लस सिक्योरिटीज के जो इश्यूज थे पाकिस्तान में उनमें उनको रिमूव करने में पाक आर्मी का बहुत बड़ा रोल है सो इसमें पाक आर्मी को बिल्कुल सारी सिक्योरिटी जो फोर्सेज उनका भी अच्छा नवीद ये बताओ कि अब T20 में ड्रॉप कर दिया आमिर को और वहाब को टेस्ट में वो पहले ही खुद से ही उन्होंने बोला कि हम टेस्ट नहीं खेलेंगे टेस्ट में उन्होंने खुद से रिटायरमेंट ले ली तो अब मेरे ख्याल में पीसीबी भी इस मूड में है कि अगर आपने डिसाइड करना है कि आप ये फॉर्मेट खेलेंगे तो फिर हम भी डिसाइड करेंगे कि आप कौन सा खेलेंगे कौन सा नहीं खेलेंगे तो क्या कहेंगे उनकी टेस्ट रिटायरमेंट पर और अभी जो आज उनको T20 स्क्वाड में शामिल भी नहीं किया गया सो आई थिंक रिजवान आमिर को अभी लाइक टेस्ट क्रिकेट खेलनी चाहिए थी क्योंकि आप मैं एंडरसन की एग्जांपल देता हूँ इंग्लिश प्लेयर है तो वो उसकी 150 जो उसकी लाइक अबव 150 टेस्ट मैचेस हैं टेस्ट मैच में तो उसकी लाइक आफ्टर 30 उसने ये मतलब गोल्स अचीव किए विकेट लेने के तो आई थिंक आमिर को उससे लर्न करना चाहिए था उसने उसको क्रिकेट खेलनी चाहिए थी 27 अभी उसकी एज है तो इसके अलावा मतलब के वो फोकस कर रहा है ज्यादा लाइक काउंटीज क्रिकेट पे लाइक लीग्स क्रिकेट पे तो पैसा कमाना तो चलो ठीक है लेकिन देखें उसके ये पाकिस्तान ने 5 साल सर्व भी किया है उस पर इन्वेस्ट भी किया है ठीक है उसे सपोर्ट भी किया है तो उसे पाकिस्तान के लिए भी क्रिकेट खेलनी चाहिए थी ना कि पैसे के लिए वो मतलब तमाम दुनिया क्रिकेट की लीगों को खेले और लाइक काउंटी क्रिकेट खेले और पाकिस्तान के लिए जब वो खेले तो लाइक वो पाकिस्तान के लिए जस्ट लाइक उसने रिटायरमेंट ले लिया है तो इट्स नॉट गुड फॉर आमिर बिल्कुल सही है उसके लिए भी बेहतर बिल्कुल ठीक बात की है भाई ने जैसे कि आमिर की बात करें तो आमिर ने 27 साल की उम्र में टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट ले ली जब उन्होंने ऐलान किया तो काफ़ी एक तशवीश पाई गई कि आमिर इस उम्र में आकर टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट ले रहे हैं तो कुछ प्रेशर भी था पीसीबी पे कि अब जो लड़का खुद ही रिटायरमेंट ले ले इस उम्र में आकर तो उनको फिर मौका नहीं मिलना चाहिए दिगर भी लेकिन वो कमर्शियल क्रिकेट खेल रहे हैं अच्छी परफॉर्मेंस दी उन्होंने बांग्लादेश प्रीमियर लीग में अभी 6 विकेटें भी ली हैं लेकिन आज जब ऐलान हुआ तो उनका नाम नहीं था क्योंकि एक प्रेशर भी था सोशल मीडिया का भी कि जो लड़के परफॉर्म तो कर रहे थे जो लड़के टेस्ट मैच नहीं खेल रहे जैसे वहाब है आमिर है आगे अभी देखा होगा ऑस्ट्रेलिया में सीरीज आई थी काफ़ी हमें मुश्किल पेश आई थी बॉलर्स की वजह से काफ़ी प्रेशर भी था तो जैसे अभी ऐलान हुआ तो आमिर को ड्रॉप किया गया वहाब को ड्रॉप किया गया तो एक मैं समझता हूँ अच्छा फैसला है यंग लड़के जो परफॉर्म कर रहे हैं उनको आना चाहिए आगे नहीं कंपैरेटिवली अगर देखा जाए वहाब की लाइक ने जो रिटायरमेंट लिया वो लास्ट ईयर लेकिन वो तो एक एज मैटर करती है 30 प्लस है लेकिन अब आमिर के लिए ना जो वो 27 एज की एज में लाइक रिटायरमेंट लेना इट्स नॉट गुड साइन फॉर लाइक यंगस्टर असल में इसमें एक और दूसरी तस्वीर का हम दूसरा रुख भी देंगे सीनियर प्लेयर्स चलेंगे अब इनकी जगह पर नए 4 से 5 बॉलर टीम के अंदर ऐड हो रहे हैं यू में साई हिट वाला काम हो रहा है यहाँ पे अब हो गए हैं स्पेस बनी है अब ये ऑब्वियसली मतलब ये आसान सीरीज है बांग्लादेशी सीरीज को हम इतनी टफ नहीं कंसिडर कर सकते आसान सीरीज है इसमें नए यंगस्टर्स खेलेंगे इनका कॉन्फिडेंस भी बूस्टअप होगा फिर ये कैपेबल होंगे इंटरनेशनल क्रिकेट के और टीम्स के साथ खेलने के कैपेबल भी होंगे यहीं से जो मतलब प्लेयर्स निकलते हैं तो ये अब इस परस्पेक्टिव स्पेशली अगर आमिर वहाब नहीं है तो कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है यहाँ पे इसके अल्टरनेट जो है हमारे पास एक्सपीरियंस बॉलर्स भी हैं और बहुत से नए बॉलर्स भी इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं तो मेरे ख्याल से ये चीज इसको ओवरकम करेंगे चाहे जैसी भी सीरीज होती है बांग्लादेश जीतती है या पाकिस्तान जीतता है लेकिन ऑब्वियसली इसमें नए बॉलर्स को जो है एक बहुत कॉन्फिडेंस भी मिलेगा और मौका भी मिलेगा कॉन्फिडेंस मिलेगा और इनकी ऑब्वियसली गेम भी जो है बहुत ज्यादा इंप्रूव होगी अच्छा सर ये बताओ ठीक है आमिर ने रिटायरमेंट का ऐलान किया अभी आज सेलेक्ट नहीं हुआ
लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आमिर T20 में तो बेहतरीन बॉलर हैं अभी भी, जैसे आपने बताया कि 6 आउट उन्होंने किए हुए हैं, तो इसका मतलब है कि वो बेहतरीन फॉर्म में है। तो जब वो बेहतरीन फॉर्म में है, ठीक है, आप यंगस्टर्स को भी चांस दीजिए, लेकिन मेरे ख्याल में मूसा की जगह वो इजीली स्क्वाड में आ सकते थे। बिल्कुल, रिजवान ने बात ठीक की है। अभी जो पिछला मैच हुआ था BPL का, उसमें आमिर ने 6 खिलाड़ियों को आउट किया था और बड़े वो फिट लग रहे थे बॉलिंग कर रहे T20 में, जो उनका बड़ा अच्छा स्पेल था। लेकिन जब आज ऐलान हुआ तो उनका नाम नहीं था। वैसे देखा जाए तो T20 में उनकी जगह बनती है, क्योंकि हमने देखा मूसा को जब चांस मिला था पहले भी, तो मूसा वैसे क्लिक नहीं कर पाए थे टेस्ट मैच में। तो अब पता नहीं PCB ने उनको क्यों नहीं रखा, लेकिन आमिर की जगह बनती थी। दूसरी बात यह कि अवैस ने कहा कि बांग्लादेश इतना टफ टाइम नहीं देगी, इस बात से मैं एग्री नहीं करता। जैसे आपको पता है कि श्रीलंकन टीम आई थी तो हमने बड़ा शोर किया था कि बी टीम आ गई है, बांग्लादेश टीम को हल्का ना ले, बांग्लादेश उन्होंने एक मैच, आप उनको हल्का ना ले, उनकी टीम बड़ी अच्छी है। जैसे कि मुशफिकुर है, उनके बड़े अच्छे बॉलर भी हैं और भी बड़ा अच्छा वो कम बैक करते हैं, उनकी बैटिंग बड़ी अच्छी है, बॉलिंग बड़ी अच्छी है, तो पाकिस्तान को अच्छा खेले थे। बिल्कुल, पाकिस्तान को वो टफ टाइम देंगे और पाकिस्तान को इजी नहीं लेना चाहिए। बांग्लादेश टीम आ रही है हमारे होम ग्राउंड में, हमारे यंग लड़के मैच बड़े अच्छे होंगे। बिल्कुल सही, अच्छे और प्लस उनकी बैटिंग लास्ट ईयर आप देखे, बैटिंग उनकी बहुत ज्यादा इंप्रूव हुई है, बॉलिंग के साथ साथ उनकी बैटिंग भी बहुत अच्छी हो गई है। दूसरी बात है कि टीम को ना उन्हें इजी भी नहीं लेना चाहिए, प्लस उनके खिलाफ परफॉर्म बहुत अच्छा परफॉर्म करना चाहिए। बिल्कुल सही। मलिक साहब की वापसी हुई है टीम में, शुएब मलिक साहब की, हफीज की, दोनों सीनियर खिलाड़ी हैं और काफी लंबे अरसे से पाकिस्तान के लिए सर्व कर रहे हैं, तो क्या समझते हैं कि यंगस्टर्स के साथ साथ जो तजुर्बा है वो भी काफी बेहतर होगा टीम के लिए? जी, अच्छा कॉम्बिनेशन है, दोनों की वापसी हुई है, मोस्ट वेलकम। ये है कि मतलब के दोनों ने काफी 18 से 20 साल क्रिकेट खेली है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए, प्लस पाकिस्तान ने उन पे बहुत ज्यादा इन्वेस्ट भी किया है। अब ये है कि T20 फॉर्मेट में दोनों अच्छे प्लेयर रहे हैं, उनकी परफॉर्मेंस भी अच्छी रही है। अब ये है कि उनको अगर आप चांस दिया गया तो उन्होंने कुछ ऐसा परफॉर्म करना है, कोई अच्छी मतलब के अपनी एक इमेज अच्छा छोड़ के जाएं पाकिस्तान क्रिकेट में भी और अपने लिए भी, तो आई थिंक दोनों को अच्छा परफॉर्म करना चाहिए। बिल्कुल, जैसे कि अभी शेख मलिक को वापस लाया गया था, शेख मलिक ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है मुख्तलिफ लीग्स में। अभी बात करें अगर बांग्लादेश में, बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है, तो PCB की नजर थी उन पे कि उनको वापस लाए, क्योंकि सीनियर काफी प्लेयर हैं और परफॉर्म भी अच्छा कर रहे हैं। अगर रिकॉर्ड चेक किया जाए शेख मलिक का पिछला, तो काफी मुसलसल से परफॉर्म देते आ रहे T20 सीरीज में, तो PCB ने उन पर नजर भी थी और उनको स्क्वाड में लाया गया। हफीज की बात की जाए तो हफीज भी बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं T20 में, तो इस वजह से उनको भी टीम में लाया गया। उनके साथ जो यंग कम्बिनेशन भी साथ है, वो थोड़ा सीनियर साथ जब होते हैं तो यंग को थोड़ा वो अच्छा कम्बिनेशन बनता है। तो उम्मीद यही है कि जो शेख मलिक है और हफीज है, वो यंग लड़कों को साथ लेके चलेंगे और जो कम्बिनेशन बनेगा वो अच्छा बनेगा और टीम परफॉर्म करेगी। इसमें एडिशन करना चाहूंगा कि हफीज मैच विनिंग प्लेयर है, वो अगर चल जाते हैं तो फॉर श्योर वो पाकिस्तान को मैच जितवा के रहेंगे। प्लस इतना सारा एक्सपीरियंस शोएब मलिक के पास, हफीज के पास इतना एक्सपोजर इंटरनेशनल, तो ये साथ में जो बात की है कि यंग लड़कों को इसमें जो है बहुत ज्यादा मदद मिलेगी, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि हफीज और शोएब के टीम में वापस आने से जो है टीम को भी बूस्ट मिलेगा और यंग लड़कों को भी इसमें अच्छी खासी हेल्प आउट होगी इस चीज़ के अंदर। बिल्कुल सही बात कही आपने कि काफी तजुर्बा जो साथ खेलेगा यंगस्टर्स के, तो काफी कुछ सीखने को मिलेगा। अच्छा साथ, 2020 T20 का वर्ल्ड कप का साल है और अक्टूबर में ऑस्ट्रेलिया में खेला जाएगा T20 वर्ल्ड कप, तो यंगस्टर्स के साथ जो अभी एक सीनियर खिलाड़ी हैं इनकी और सबके पास मौका है कि अच्छी परफॉर्मेंस दें, सेलेक्टर्स को इम्प्रेस करें, क्योंकि पाकिस्तान के कोई बहुत ज्यादा मैचेस T20 के नहीं है राइट बिफोर द वर्ल्ड कप, कोई हार्डली मेरे ख्याल में 5-7 या 6 मैचेस इतने T20 पाकिस्तान मैचेस खेलेगा। तो ये जितने भी खिलाड़ी हैं, फिर ऑब्वियसली PSL आएगा, उसमें भी जो इंप्रेसिव परफॉर्मेंस अगर कोई दिखाएगा तो वो कंसिडरेशन में आ जाएगा, तो सबके पास चांस है कि अच्छी परफॉर्मेंस दें और अपनी जगह जो है पक्की करें वर्ल्ड कप के लिए। बिल्कुल रिजवान, T20 वर्ल्ड कप तो वैसे भी हर खिलाड़ी का एक ख्वाब होता है कि वो खेले, तो आके अब जैसे सीरीज आ रही है बांग्लादेश में, तो हर लड़की की ख्वाहिश होगी कि परफॉर्म करके दिखाए और जैसे मजीद नजरों में आए कि आगे वर्ल्ड कप आ रहा है तो हम वर्ल्ड कप खेलें। उसके बाद PSL है, उसके बाद शायद अफ्रीकन जो बोर्ड है वो पाकिस्तान आना है, अफ्रीकन टीम ने T20 मैच खेलने, अगर वो आते हैं तो वो भी सीरीज अच्छी होगी। लेकिन वर्ल्ड कप है आगे, यंग लड़के हैं, हर किसी का ख्वाब है कि वर्ल्ड कप खेले। ऐसे नली हैं जो कि कोटा में खेलते हैं, उनको लाया गया है स्क्वाड में, बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं डोमेस्टिक में। उनके साथ हारिस रऊफ एक ऐसा बॉलर है जो कि पाकिस्तान को बड़े अरसे बाद एक फास्ट बॉलर मिला है जिसका पास फुल दिमाग से बॉलिंग करता है, 150 की पेस है और फुल दिमाग से बॉलिंग करता है।
اور وہ ڈیتھ اووروں میں کامیاب بالر ہے, اس نے پرفارم کر کے دیا ہے بگ بیش میں. تو حارث روف ہے, اس کے ساتھ ساتھ موسیٰ خان ہے. موسیٰ خان کو تھوڑا پٹائی پڑی تھی آسٹریلیا میں ٹیسٹ سیریز میں, لیکن ان کو دوبارہ کم بیک کیا, انہوں نے ڈومیسٹک میں پرفارم کیا. اس کے ساتھ شاہین شاہ آفریدی ہیں جو ہمارے اس وقت بہترین بالر ہیں, اور شاہین شاہ آفریدی کو ہم نے بڑے طریقے سے استعمال کرنا ہوگا, کیونکہ شاہین شاہ آفریدی اس وقت پاکستان ٹیم میں وہ ینگسٹر بالر ہیں جو کہ ہمیں اہم موقع پر وکٹس بھی لے کے دیتے ہیں اور ٹیم کو جتواتے بھی ہیں. تو ورلڈ کپ کے لیے کافی جو ینگ لڑکیوں کے درمیان مقابلہ ہوگا, ہر کوئی کہے گا پرفارم کریں, انڈیا والی سچویشن ہوگی کہ ہر لڑکا یہ چاہے گا پرفارم کریں اور ورلڈ کپ کھیلیں. ہم بالکل صحیح ہے. اس کے ساتھ میں ایڈ کرنا چاہوں گا حارث روف اور شاہین شاہ آفریدی, ان دونوں کو 2020 ورلڈ کپ میں آئی تھنک رہنا چاہیے اور ان کو چانس بھی دینا چاہیے اور انہیں پرفارم بھی کرنا چاہیے, اور اب اپنی بیفور 2020 ورلڈ کپ سے پہلے پہلے ان کو پرفارم کرنا چاہیے اور ٹیم میں پراپر ایک جگہ بنانا چاہیے. دونوں اچھے پلیئر ہیں, دونوں کی پیس اچھی ہے, لائن اینڈ لینتھ دونوں کی بہت اچھی ہے. بالکل صحیح ہے. ہاں ویس, واٹ ڈو یو تھنک اباؤٹ اٹ, کیسا رہے گا یہ؟ میرے خیال سے بہت اچھا کمبینیشن بن رہا ہے لیفٹ ہینڈر اور رائٹ ہینڈر کا. دونوں پیس بھی ہے دونوں کے پاس, دونوں سوئنگ بھی کر لیتے ہیں دونوں کو, مطلب کہ اب تو ایکسپیرینس ہے ان کا, تو بہت اچھا ایکسپیرینس ہو گیا ہے. حارث کو بگ بیش کھیلنے سے جو بوسٹ ملا ہوگا یا گروم ملا ہوگا, یو کین ناٹ ایون امیجن کہ اس کا کانفیڈینس لیول یا مورال کہاں پہ گیا ہوگا, اس کی گیم کتنی زیادہ امپروو ہوئی ہوگی اس لیگ کے بعد. اور پلس اس میں جب پرفارم کر کے آتا ہے بندہ تو پلیئر اس کے اوپر بہت زیادہ پریشر ہوتا ہے, وہ سارا پریشر اس کے اوپر سے ہٹ جاتا ہے جب وہ پرفارم کر کے آتا ہے. تو اوبویسلی وہ مینٹلی طور پر اتنا اسٹرانگ یا میچور ہوا ہوگا حارث کہ اس کی ہمیں فور شور کہ اس کے اندر انٹرنیشنل کرکٹ کے اندر جو ہے اس کی ہمیں نظر آئیں گے اسکلز جو بگ بیش سے وہ لے کر آیا ہوگا. یہ بہت بڑا پلیٹ فارم ہے, بہت بڑا ایکسپوئر ہے, اور جب آپ ٹاپ پرفارمر رہتے ہو تو وہ چیز آپ کے لیے بہت زیادہ پالشنگ ہوتی ہے اور آپ کو وہ چیز بہت زیادہ انکریج بھی کرتی ہے آگے پرفارم کرنے کی. تو میرے خیال سے یہ دونوں اس وقت کیپیبل ہیں ٹیم میں کھیلنے کے, اور امید بھی کی جا سکتی ہے کہ بہت اچھا پرفارم بھی کریں گے جو سیریز ہونے کے لیے جا رہی ہے. بالکل ٹھیک ہے ناظرین, اٹس ٹائم فار شارٹ بریک, سٹے ود اس. جی ناظرین, آپ کو پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں, اور بریک میں جانے سے پہلے ہم یہی بات کر رہے تھے کہ بنگلہ دیش کی ٹیم پاکستان آ رہی ہے, بڑی اچھی بات ہے, اور پاکستان نے ٹی ٹوینٹی کا جو اسکواڈ ہے وہ بھی اناؤنس کر دیا. اس پہ بھی ہم نے ان ڈیپتھ بات کی کہ کن کھلاڑیوں کو موقع دیا گیا ہے, کن کو ڈراپ کیا گیا ہے, اور پی ایس ایل کے بھی سارے میچز پاکستان میں ہوں گے, اور یہ تو بڑی ایک خوشائن بات ہے. اور چار شہروں میں میچز ہوں گے, کراچی میں, لاہور میں, ملتان میں, اور راول پنڈی میں بھی میچز ہوں گے, اور لیٹس ہوپ کہ آنے والے سالوں میں. ہاں ویس, پی ایس ایل کے سارے میچز پاکستان میں, فل سیریز جو ہے وہ بھی سری لنکا آئی پاکستان, ابھی انشاءاللہ بنگلہ دیش آئے گی, بڑے اچھے میچز ہوں گے یہاں پہ. تو ابھی فیوچر میں یہ سٹانس پی سی بی کا مجھے تو بڑا پسند آیا کہ بھائی جس ٹیم نے ہماری ہوم سیریز کھیلنی ہے اب وہ یو اے ای وغیرہ کو بھول جائیے, پاکستان میں آ کے کھیلیے, کیونکہ بڑا اچھا ایک سٹانس انہوں نے رکھا ہوا تھا, اور بنگلہ دیش بھی اب آئے گی, اور پی ایس ایل کے بعد تو کوئی ایسا کوئی جواز رہے گا نہیں. جی بالکل رضوان, اٹس لائک ڈریم کمنگ ٹرو. پی ایس ایل پورا پاکستان کے لیے, پورے پاکستان کے اندر ہونے جا رہی ہے. آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ کرکٹ لورز کی اس وقت کیا کنڈیشن ہوگی, مطلب کہ کتنا وہ اس چیز کو پریز کر رہے ہوں گے. اور ایک کرکٹ پلیئنگ نیشن میں اتنے عرصے بعد کرکٹ واپس آنا, یہ ایک وہی سمجھ سکتا ہے جس کس سے کرکٹ نکلی بھی ہو, انٹرنیشنل اتنے مزے کی چیز جو ہے وہ گئی بھی ہو, وہ اس چیز کو بہت اچھے طریقے سے ریئلائز کر سکتا ہے. اب جہاں تک پی ایس ایل کی بات ہے تو نیا ٹیلنٹ ہر سیزن میں ہم نے دیکھا ابھر کے آیا ہے, اس میں بھی ایکسپیکٹیڈ ہے کہ پی ایس ایل کے اندر اور بھی نیا ٹیلنٹ نکلے گا, کیونکہ جو ٹیمز ہیں انہوں نے گراؤنڈ روٹ لیول پہ اوپر بہت کام کیا ہے. پشاور زلمی کی تھرو آؤٹ دا ایئر ایکٹیویٹیز چلتی رہی ہیں, انہوں نے ولیج لیول پہ جا کے لیگس کرائی ہیں, خواتین کی لیگس کرائی ہیں, مدرسہ کی لیگ کرائی ہیں. اس طرح لاہور کلندر ہے, انہوں نے جو مطلب کہ لاہور میں کافی ٹیلنٹ ڈھونڈا ہے, کافی مطلب کیمپس لگائے ہیں جہاں سے نیا ٹیلنٹ وہ ڈھونڈ کے لائیں گے. اور پلس ابھی اسٹریٹجی مجھے بڑی پسند آ رہی ہے, یہ لوگوں کو جو ہے نا بیس کے اندر انوالو کریں, جیسے کہ فٹ بال میں دیکھیں نا ہم لوگ وہ انوالو ہوئے تھے, مینچسٹر یونائٹیڈ کی فین فالوئنگ ہے ایک ایریا ہوتا ہے ان کا, چیلسی کی فین فالوئنگ ہے, سیم لائک وائز یہی چیز ہونے جا رہی ہے پاکستان کے اندر. پی ایس ایل جو کمرشلائز ہوئی ہے, اب یہ لوگ جو ہیں شہروں کے لوگ, مختلف علاقوں کے لوگ, وہ مطلب کہ اس کی اونرشپ لے رہی ہے ٹیمس کی, یہ ایک بہت بڑا پازیٹیو چیز ہے. اس سے نہ صرف پلیئرس کو فائدہ ہوگا, پاکستان کی پرائیویٹ کرکٹ کو بہت فائدہ ہوگا, پاکستان کی لیگ کو اس چیز سے بہت فائدہ ہوگا, اور یہ بہت اپریشیٹنگ اور ویلکمنگ سٹیپ ہے پاکستان کے اندر. انٹرنیشنل پلیئرز آئیں گے, گراؤنڈ آباد ہوں گے, اور میرے خیال سے پاکستان کے اندر اگلے 2-3 ماہ میں جو بھرپور قسم کی رونقیں لگنے والی ہیں, اور لوگ بہت زیادہ انجوائے کریں گے. بالکل صحیح ہے. اور نوید, بات کریں بابر اعظم کی, ابھی کپتان, جیسے میں نے ٹیم بتائی, کپتان بھی ہیں پاکستان کی جو ٹی ٹوینٹی ٹیم ہے اس کے, اور آسٹریلیا میں بھی انہوں نے کپتانی کی ہے, اور نمبر 1 رینکنگ بیٹسمین بھی ہیں ٹی ٹوینٹی کے.
रीढ़ की हड्डी है पाकिस्तान की, जो बैटिंग ऑर्डर है, बैटिंग यूनिट है उसकी। और अभी आईसीसी ने जो टीम अनाउंस की है ओडीआई टीम ऑफ द ईयर, उसमें वाहिद पाकिस्तानी, बल्कि किसी भी फॉर्मेट में अगर कोई पाकिस्तानी है टेस्ट और ओडीआई में, तो बाबर आजम है। तो आप क्या कहेंगे कि इतने कम अरसे में उन्होंने जो अपना लोहा मनवाया, उसके बारे में व्हाट डू यू थिंक? नो डाउट रिजवान, आई डू एग्री विद यू। बाबर आजम एक रेड की हड्डी की हैसियत रखते हैं पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में। और एक्चुअली बाबर आजम की कामयाबी की वजह यही है, वो उसकी टैक्स एंड टेक्निक्स, स्किनी सा तो वो है, ठीक है, उसके देखें लाइक टैक्स और टेक्निक से हिटिंग करना, और लाइक छक्के चौकों में उसके को वो कोई फुल लेंथ वो इस तरह नहीं मतलब कि छक्के मार रहा है, लेकिन वो सिर्फ टैक्स और टेक्निक्स यूज कर रहा है। अब लास्ट ईयर आप उसने तो मतलब वन डे और प्लस ओडीआई दोनों में अपना लोहा तो मंगवाया, प्लस अब उसने लास्ट ईयर आप देख सकते हैं कि टेस्ट क्रिकेट में भी उसने अच्छा परफॉर्म किया है। तो कहने का मकसद है आप दूसरे खिलाड़ी नंबर वन रैंक वो बैट्समैन है T20 में पिछले दो सालों से, और आम तौर पे यही समझा जाता है जो जितने कोई हैवी बॉडी का कोई मालिक होगा बैट्समैन वो छक्के मारेगा, वो T20 में पहले नंबर पे होगा। या परसेप्शन तो यही है, जो हैवी होगा या जिसकी हाइट अच्छी होगी वही छक्के छक्के मार सकता है, लेकिन बाबर आजम ने इस चीज को लाइक आप कह सकते हैं कि कम्पीट किया है और इस परसेप्शन को चेंज किया है। तो उसने परफॉर्म करके दिखाया अपने टैक्स और टेक्निक से कि ना लाइक कोई अच्छी मतलब के लाइक बॉडी वाला ही नहीं छक्के मार सकता, हिटिंग कर सकता, इवन कि आप अपने एक अच्छे रिदम में आप खेलें और उसमें आप अपने टेक्निक्स को यूज़ करें तो आप अच्छा परफॉर्म भी कर सकते हैं और छक्के चौके भी मार सकते हैं। और लाइक यंगस्टर, अब मैं आता हूँ यंगस्टर की तरफ, जो यंगस्टर हैं वो इस टाइम क्रिकेट टीम में, तो उनको चाहिए कि बाबर आजम से लर्न करें और बाबर आजम सीखें कि वो किस तरह मतलब अपनी मतलब के रिदम को लेके चलता है, किस तरह वो सिंगल डबल करता है, किस तरह वो हिटिंग करता है, किस तरह वो मतलब के खेल रहा है, परफॉर्म कर रहा है विद इन द क्रीज। सो ये यंगस्टर के लिए एक अच्छा साइन है कि वो अपने ही प्लेयर से लर्न करें। बिल्कुल सही है। हाँ सर, ओवरऑल टीम का जो कम्बिनेशन है उस पर बात करो, और आप ये बताइए कि जैसे हम पहले भी बात कर चुके हैं कि लाइट तो हमने लेना ही नहीं है, ये तो हमने लफ्ज़ यूज नहीं करना, क्योंकि जिस तरह श्रीलंका की सेकंड स्ट्रिंग बी स्ट्रिंग जो टीम आई थी और उसके साथ जो हमारा हाल हुआ, तो अब तो किसी को सपने में भी ये बात नहीं सोचनी चाहिए। बिल्कुल रिजवान, ने जब उनकी टीम का ऐलान हुआ था श्रीलंका का, तो हर तरफ सोशल मीडिया पर मीडिया मैं आपको कट कर रहा हूँ, लाइव कॉल है। बिल्कुल बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन सब कहाँ से? हाँ जी, मैं रियाज बात कर रहा हूँ इस्लामाबाद से। जी खुश आमदीद, कहिए क्या कहेंगे? जी मैं तो जो है ना सिलेक्शन पे जो है ना थोड़ा खफा हूँ, ये कि मिसबार हक ने गलत सिलेक्शन की और पहर जमान के साथ ज्यादा की, और दूसरा ये कि शुएब मलिक और मोहम्मद हफीज की क्या जरूरत थी, इसके जगह पहर जमान और सरफराज को लेना चाहिए था। फखर जमान इतने काफी मैचेस से फ्लॉप चलते आ रहे हैं, तो ये तो परफॉर्मेंस बेस्ड जगह होती है ना टीम में, अब परफॉर्म करेंगे तो टीम में रहेंगे, सरफराज भी इसी वजह से निकले थे। ठीक है, लेकिन मोहम्मद हफीज और शुएब मलिक ने जो है ना उसने भी परफॉर्म नहीं की ना, वो किस बुनियाद पे ले आए ना उसको? नहीं, उनको तो पिछली सीरीज में मौका नहीं ना मिला, अभी वो बांग्लादेश प्रीमियर लीग में अच्छा खेल रहे हैं शुएब मलिक खास तौर पे, और एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं, तो आप उनकी जगह कौन से मिडिल ऑर्डर में आप जो बैट्समैन फिर सजेस्ट करेंगे? हाँ वो ये भी ठीक है, लेकिन सरफराज को मौका देना चाहिए था ना, वो भी जो है ना होम ग्राउंड की सीरीज है। तो मेरे ख्याल में जो टीम पाकिस्तान की हारी थी श्रीलंका से, उसके कप्तान सरफराज ही थे, हम 3-0 से हारे थे उनसे। ठीक है वो, लेकिन वो एक हार आता ना, वो तो 9 सीरीज जीत गए थे ना, उसको भी तो देखने चाहिए थे ना। ठीक है सरफराज के जाने के बाद, उससे पहले लोगों का एक बहुत बड़ा था कि इसे टीम से हट निकाला जाए, मतलब इसकी टीम में जगह नहीं बनती, और इसमें कोई डाउट नहीं कि सरफराज अहमद की लक की अभी तक उन्हें यहाँ तक लेकर आई है, वरना सरफराज अहमद बेशक वो जीते रहे सीरीज वगैरह कुदरती तौर पर जीते हैं, लकी रहे हैं, मतलब टीम एफर्ट रही है, लेकिन सरफराज की इंटरनेशनल क्रिकेट में या पाकिस्तानी टीम में जगह नहीं बनती थी। उनकी परफॉर्मेंस आप उठा के देख लीजिए, शायद कोई गलती से उन्होंने एक या दो मैचेस जो है जितवाए होंगे, उसके अलावा उनका मतलब कि एवरेज स्कोर या स्ट्राइक रेट भी इस लेवल का नहीं था जो कि इंटरनेशनल प्लेयर्स को कम्पीट कर सके। हम लोगों को इस चीज़ को रियलाइज करना होगा कि आज की इंटरनेशनल क्रिकेट बहुत तेज हो चुकी है, सरफराज जैसे प्लेयर्स की
آپ کمپیٹ اگر دھونی مطلب کوہلی کو دیکھیں اور ادھر اپنے کیپٹن کو دیکھیں تو زمین آسمان کا ڈفرینس ہے. ان پلیئرز کی ڈومیسٹک تک تو ٹھیک ہے کھیل سکتے ہیں, لیکن انٹرنیشنل لیول پہ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی جگہ بنتی ہے. اور ہمیں جو اسٹیٹس بھی ہیں وہ بھی یہی بتاتے ہیں کہ آپ ان کی جگہ کسی اور ٹیلنٹ کو مار کے آپ سرفراز کو کھلا رہے ہیں, جو کہ ٹیلنٹ کے ساتھ ایک بہت بڑی زیادتی ہوگی. بالکل, رضوان نے ابھی کالر نے جیسے کال کی کہ سرفراز کی جگہ ٹیم میں بنتی ہے, کس بنیاد پر ٹیم میں جگہ بنتی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ان میں کپتانی کی اسکلس تھے, کپتانی انہوں نے کر کے دکھائی, دلیر بندہ تھا اس نے کپتانی, لیکن جب کپتانی کے ساتھ ساتھ جب بندہ سکور بھی کرے تو تب اس کی ٹیم میں جگہ بنتی ہے. کچھ لوگ سوال کہہ رہے ہیں نہیں نہیں وہ سلجھا ہوا ہے. بھائی ہم نے سلجھا بندہ دیکھنا یا ہم نے ایک پلیئر دیکھنا جو پرفارم کر کے دکھا. سلجھا ہوا ہے وہ ساؤتھ افریقہ میں جا کے کالا کالا بول رہے ہیں ان کے پلیئرز کو. وہ چلو انہوں نے بعد میں معافی مانگ لی تھی تو, لیکن اب ادھر کالر نے یہ بات کی کہ فخر زمان کو کیوں نہیں چانس دیا جا رہا. بھائی فخر زمان کو کتنے عرصے سے چانس مل رہا ہے, انہوں نے صرف ایک چیمپئن ٹرافی میں شو کیا, اس کے بعد وہ آئے انہوں نے پرفارم کیا لیکن صرف زمبابوے کے خلاف. لیکن باقی ان کے میچ اٹھا کے دیکھ لیں, انہوں نے پرفارم نہیں کیا. پی سی بی بھی کافی اس پر بات ہو رہی تھی کہ فخر زمان کو پرفارم نہیں کر رہا, اس کو کیوں ٹیم میں لایا جا رہا ہے. اسی طرح امام الحق تھے, ان کو بھی بیک کیا گیا. جو بندہ پرفارم کرے گا وہی ٹیم میں کھیلے گا. اب وہ والی پی سی بی نہیں رہی, اب پروفیشنلزم آ گیا ہے. جو لڑکا پرفارم کرے گا ڈومیسٹک میں پی ایس ایل میں وہی لڑکا ٹیم میں کھیلے گا. حفیظ اور شعیب ملک کی جو سلیکشن ہوئی ہے بہتر سلیکشن ہوئی ہے, انہوں نے پرفارم کیا ہے بی پی ایل میں اور وہ اس کی بنیاد پر ٹیم میں آئے ہیں. اور اس بار اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا, پہلے گلہ کیا جاتا تھا کہ پلیئرز کو کھیلنے کا موقع نہیں دیا جاتا, ابھی فخر زمان کو ایک پورا بھرپور طریقے سے موقع دیا گیا, بہت سی سیریز دی گئی ہیں انہیں اپنے آپ کو پروو کرنے کے لیے. آج اگر انہیں ٹیم سے ہٹایا گیا تو ایک بالکل جینوئن بنتا تھا, انہوں نے پیچھے پرفارم نہیں کیا اس لیے ہٹایا گیا, یہ ایک بالکل جینوئن ریزن بنتا ہے. یا میں ویسے اگری کروں گا کہ جو سرفراز ہے یہ اس کی کیپٹنسی میں ہم نے ٹی ٹوینٹی میچز کافی جیتے ہیں, لیکن سرفراز انڈیویجولی وہ لائک ٹی ٹوینٹی فارمیٹ کا پلیئر نہیں ہے. ٹی ٹوینٹی فارمیٹ ہے ہارڈ ہٹنگ کا, تو سرفراز ہارڈ ہٹنگ نہیں کر سکتا. سنگل ڈبل سے تو آپ ٹی ٹوینٹی میچز نہیں جیت سکتے ہیں, تو سرفراز کو ٹیم میں بیک کرنا یہ کوئی لائک اور ڈومیسٹک کی پرفارمنس سرفراز کی دیکھیں, اس نے 4 سے 5 میچز کھیلنے کے بعد ایک سینچری کی ہے, مطلب کافی اس ڈومیسٹک میں بھی شاید ایسا لگ رہا تھا کہ اس نے پہلے پریکٹس کی ہے پھر اس کے بعد آ کے اس نے پرفارم کیا ہے. یہ سیریس کوسچن, پلس اس کا اکانومی ریٹ بھی اتنا اچھا نہیں ہے. ایسے بات دراصل ایسے ہے کہ جو بھی ہمارے کالرز تھے انہوں نے کہا کہ جب اب 10-11 سیریز ان کی کپتانی میں جیتے ہیں تو پھر آپ ایک اگر 3-0 سے ہار گئے ہیں سری لنکا سے, حالانکہ وہ سری لنکا کی 20 ٹیم تھی, یہ بھی ہم کو مد نظر رکھنا چاہیے, تو پھر کیا ان کو کیوں چینج کیا سرفراز کو. بات دراصل ایسے ہے کہ ٹھیک ہے ہم اتنی زیادہ مسلسل سیریز جیتے, لیکن پچھلے سال کا آپ ریکارڈ اٹھا کے دیکھیں نا, مطلب 9 میچز ہم ہارے ہیں ٹی ٹوینٹی کے اور ایک میچ ہم جیتے ہیں صرف, اور ہم ابھی بھی نمبر 1 رینکڈ ٹیم ہے ٹی ٹوینٹی کی, اور لافنگ اسٹاک ہمارا بنا ہوا ہے, مطلب سری لنکا سے ہار گئے, اتنا بری طرح سے ہارے. بات جو میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو ہم اتنا ہمارا ایک اچھا وننگ جو کمبینیشن بنا ہوا تھا اور جو ہم میچز جیت رہے تھے, ایک جو ہمارا وننگ جو فارمولا تھا اس کا کلیہ یہ تھا کہ سرفراز کی اپنی پرفارمنس تو آپ کے سامنے ایوریج ہی تھی, لیکن اس میں ہمارا جو بالنگ یونٹ تھا خاص طور پہ اماد پاور پلے میں بڑی اچھی بالنگ کروا رہے تھے, اماد وسیم کی میں بات کر رہا ہوں, پھر مڈل اوورز میں خاص طور پہ جو ہمارے شاداب خان ہیں ان کی سب سے زیادہ وکٹیں تھیں, حسن علی بڑا اچھا پرفارم کر رہے تھے. اب یہ سارے بالر ہی آؤٹ آف فارم ہو گئے, نہ حسن آؤٹ کر رہے تھے نہ شاداب آؤٹ کر رہے تھے, اور جو وننگ ٹرمپ کارڈ تھے پاکستان کے وہ ہی نہیں چل رہے تھے, اور جب ایسا سلسلہ چلا تو پھر سرفراز کی اپنی پرفارمنس تو تھی نہیں, اتنی ان کی خود تو سکلز ہیں نہیں کہ اگر دوسرے پرفارم اچھا نہ کریں تو وہ اکیلے اپنے بلبوتے پہ میچ جتوا دیں, تو جب ان کے جو ٹرمپ کارڈ تھے انہوں نے برا پرفارم کرنا اسٹارٹ کیا تو سب کی پھر نظریں آئیں سرفراز پہ کہ بھائی اتنے عرصے سے یہ ہمارے کپتان ہیں, ان کی اپنی پرفارمنس کہاں ہے, تو اس وجہ سے ان کو ٹیم سے ہٹایا گیا, اور جو پلیئرز پرفارم نہیں کریں گے وہ ٹیم کا حصہ نہیں رہیں گے. اب فخر زمان ٹھیک ہے بھائی ایک سینچری آپ نے کر دی, لیکن پوری زندگی آپ اسی سینچری پہ تو نہیں کھیلیں گے, تو میرے خیال میں بالکل ٹھیک فیصلہ کیا گیا ہے اور ان کو ریئلائز ہونا چاہیے. اور یہ ویس ہمارے یہاں پہ کلچر ہے کہ آپ ٹیم میں آئیں ایک دو سالوں میں آپ آئیں فیم بنائیں پیسہ بنائیں اور آپ پھر اپنے آپ جو اسکلز لیول ہے نا اس پہ کام اتنا شاید نہیں کرتے. بیسیوں ایگزامپلز ہیں کہ ہمارے کھلاڑی آتے ہیں ٹیم میں ایک دو سال اچھا پرفارم کرتے ہیں, شاداب ہو گئے, فہیم نے تو خیر ایوریج ہی پرفارم کیا ہے تھرو آؤٹ ہز کریئر, آصف علی حسن وغیرہ یہ سارے مطلب آتے ہیں تھوڑا سا اسپارک نظر آتا ہے ان میں, لیکن جیسے ایک دو سال کے بعد پھر کچھ امپروومنٹ نظر نہیں آتی. لیکن اس کا اپوزٹ ہے دوسری دنیا میں,
खिलाड़ी आते हैं एवरेज होते हैं, स्मिथ स्मिथ की बात करें, लेबुशन की बात करें, विद द पैसेज ऑफ टाइम वो अपने जो स्किल्स हैं उनको इम्प्रूव करते हैं। कॉल कॉल है, मैं लेके फिर आपसे इसका जवाब लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी कौन साहब, कहाँ से? जी मैं इम्तियाज बात कर रहा हूँ, जिला जंग से। जी सर मैं ये कहना चाहता हूँ, ये शब्बीर खान और कामरान अकमल को क्यों नहीं खिलाया जा रहा है, क्यों ज्यादती की जा रही है? ठीक है जी, इस पे हम बात करते हैं। आपका जो सवाल है उसका जवाब हम लेने की कोशिश करेंगे। सर सर प्लीज एक मिनट सुने, ये तो बहुत अच्छे फॉर्मेट है। जी दोबारा कहिएगा। मैं कह रहा हूँ ये तो बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं दोनों। हाँ बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं। ठीक है जी, इन पे बात करते हैं कि क्यों इनको टीम में शामिल नहीं किया जा रहा। आपसे जो मैंने सवाल किया उसका जवाब दे दीजिए। रिजवान आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन रेज किया, हम पहले भी शोज में ये बात कर चुके हैं, हमारे टीम के प्लेयर्स में एक्सपोजर का बहुत मसला है। इनको ये मतलब कि खेलते हैं क्रिकेट सारी जिंदगी, इन्होंने खेली भी होती है, टैलेंट इनके पास होता है, स्किल्स इनके पास होती हैं, कैपेबिलिटीज इनके पास होती हैं, ये बिल्कुल निचले लेवल से उठ उठ के ऊपर आते हैं पहुंचते हैं। जब यहाँ पे आते हैं तो इस लेवल पे आके एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमने और भी देखा है, एटीट्यूड के अंदर भी, कैरेक्टर के अंदर भी देखा है कि ये लोग फेम संभाल नहीं पाते। इन्हें काउंसलिंग प्रॉपर रिक्वायर्ड है कि इन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में आके अपना फेम को कैसे संभालना है, अपनी कैपेबिलिटीज को कैसे डेवलप करना है, इन्होंने रोल मॉडल्स कैसे अपने सेलेक्ट करने हैं। ये एक बहुत बड़ा इशू होता है कि हमारा प्लेयर आता है पहले दो साल तो बड़ा अच्छा परफॉर्म करता है, उसके बाद वो चल सो चल ही जो है ना मतलब कि चल रहा होता है। फखर जमान को देख लें, इमामुल हक को देख लें और प्लेयर्स को देख लें, मतलब कि हमारी हिस्ट्री इन चीज़ों से भरी पड़ी हुई है कि मतलब कि ऐसे हमारे प्लेयर्स आए इंटरनेशनल क्रिकेट में, उसके बाद जो है वो दो तीन साल परफॉर्म करके उसके बाद फ्लॉप हो गया, उन्होंने मतलब कि इतना कैपेबिलिटी डेवलप करने की कोशिश ही नहीं की। कुछ प्लेयर्स हमारे बोर्ड ने जाया किए, कुछ वो अपने जब उन्हें फेम मिलता है बदतमीजी की तरफ आ जाते हैं और इस तरह की चीज़ों के अंदर इन्वॉल्व हो जाते हैं, पार्टी की तरफ आ जाते हैं, जिसके बाद से वो अपने क्रिकेट जो है करियर खराब कर जाते हैं। सीखना चाहिए हमें, अपने पड़ोसियों से भी सीखना चाहिए, इंटरनेशनल क्रिकेट के जो क्रिकेटर्स हैं मतलब कि ऑस्ट्रेलियन इंग्लैंड के क्रिकेटर्स हैं उनकी आप देख लेंगे किस तरह वो अपने आप को डेवलप करते हैं। अब मेरे ख्याल से पीसीबी को हमारी टीम्स के साथ स्पेशल मेंटर्स रखने चाहिए, साइकोलॉजिस्ट रखने चाहिए जो इन्हें जगह जगह पर ट्रेन करें, इनकी रहनुमाई करें, इन्हें एक्सपोजर प्रोवाइड करें, उसके साथ इनके इंटरेक्शन करवाने चाहिए इंटरनेशनल कम्युनिटीज के अंदर ताकि इन्हें एक्सपोजर मिले और इन्हें ये चीज़ समझ में आए कि इन्हें अपना करियर कैसे डेवलप करना है। करियर काउंसलिंग बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जो कि आप स्टूडेंट्स को भी मस्ट होनी चाहिए, जो स्कूल में बच्चा पढ़ा है ये तो फिर इंटरनेशनल लेवल पर जाके जगह पर पहुँच के जाके वहाँ से थोड़ा सा आगे पीछे होते हैं। ये बहुत एक ज़रूरी चीज़ है जो टीम के साथ करियर काउंसलिंग होनी चाहिए, इन्हें सीनियर क्रिकेटर्स को और जो एक्सपर्ट हैं उन्हें बताना चाहिए इन्हें कि इन्हें अपना करियर कैसे। बिल्कुल रिजवान, अच्छी बात की इन्होंने। और आपने देखा कि जब हमारे यंग लड़के आते हैं, कुछ लड़के परफॉर्म करते हैं हमारी सुपर लीग है जो उसमें करके, वो जब टीम में आते हैं तो आप कहते हैं कि वो क्यों नहीं ग्रूम होते, क्योंकि वो ज़्यादातर अपनी ग्रूमिंग लाते हैं ड्रेसिंग में, हेयर स्टाइल में, फिर वो वहाँ चले जाते हैं। अब बाकी अगर दीगर बात की जाए तो जो दीगर कंट्री है, इंडिया हो गया, इंग्लैंड हो गया, वहाँ के लड़के ग्रूमिंग लाते हैं अपनी बैटिंग में लाते हैं, फिटनेस में लाते हैं। आप देखें अब इंडिया के प्लेयर्स हैं क्या उनके फिटनेस ऐसे ही ऐसे ही टाइम टाइम कम है। नवीद डू यू वांट टू से समथिंग? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब निचले लेवल से जब आप टॉप परफॉर्मेंस बनते हैं तो आपके बिहेवियर और एटीट्यूड में भी काफ़ी फर्क आ जाता है। मीडिया पॉपुलरिटी मिलती है तो आपका बिहेवियर चेंज होता है, आपका एटीट्यूड चेंज होता है, उन इन चीज़ों के चेंज होने से आपका इफेक्ट जो पड़ता है वो आपकी स्किल्स के पड़ता है। आप बैट्समैन है आपकी बैटिंग पर पड़ेगा, आप बॉलर हैं आपकी बॉलिंग पर पड़ेगा। तो इसके लिए जैसे वैस ने बात की कि मतलब कि इसके को मतलब कि क्रिकेट बोर्ड को इनको ऐसी क्लासेस देनी चाहिए कि आप अपने बिहेव और एटीट्यूड पर भी फोकस करें और अपने स्किल्स भी बढ़ाएं, या स्किल्स को भी बढ़ाएं और प्लस अपने लाइक परफॉर्मेंस को भी उसी तरह एज उसको मेक कंसिस्टेंसी लगानी चाहिए। बिल्कुल ठीक है, और आप क्या कहना चाह रहे हो? बिल्कुल यही बात कह रहा हूं कि लड़कों को ग्रूमिंग बाबर आजम की एग्जाम्पल अगेन मैं देना चाहूंगा कि देखें वो भी एक यंग एज में आया लाइक नीचे से आया, टॉप परफॉर्मेंस रहा है और आईसीसी रैंकिंग में लाइक वाइट एक पाकिस्तानी प्लेयर है जो आईसीसी की रैंकिंग में आया। आखिरी बात करना चाहूंगा कि काफी खुशी का लम्हा है पाकिस्तान के लिए और शायद के लिए पीएसएल पाकिस्तान में हो रही है और बांग्लादेश की टीम भी आ रही है पाकिस्तान के, तो काफी अच्छा मैचेस होंगे और शायकीन काफी खुश है। बिल्कुल सही है जी, आज का जो शो है उसका टाइम खत्म हो गया है और बस जाने से पहले यही आपको बता दें, जो कॉलर थे कह रहे थे कामरान अकमल को, मेरे ख्याल में कामरान अकमल के साथ थोड़ी सी ज्यादती हुई है कि T20 फॉर्मेट में वो अभी भी बेहतरीन बैट्समैन है, विकेट कीपिंग को लेकर जरा मसले मसाइल थे, लेकिन लेट्स सी रिजवान कैसा परफॉर्म करते हैं, क्योंकि T20 में रिजवान की काफ़ी बैशिंग हुई थी, उनको परफॉर्म करना ही पड़ेगा वरना देर इज़ नो हार्म कि अगर हम कामरान अकमल को भी T20 में चांस दें। बात ठीक थी कॉलर की। इसी उम्मीद के साथ जी बांग्लादेश की टीम पाकिस्तान आएगी, बड़े अच्छे मैचेज होंगे और फिर PSL भी पाकिस्तान में होगा
और फिर फ्यूचर में जो पाकिस्तान की सीरीज है सारी पाकिस्तान में होंगी। नेक्स्ट शो में फिर दोबारा आपसे मुलाकात होगी। आज तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़। रोज न्यूज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें ताकि ताज़ा तरीन खबरों से आगाह रह सकें।